हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डेली रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज जो रिव्यू वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है गार्नियर स्किन नेचुरल्स की लाइट कंप्लीट फेयरनेस क्रीम। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इसकी प्राइसिंग बता देती हूँ ये कितने में रिटेल होता है। ये रिटेल होता है 4 rupees 160 दोस्तों। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये 160 इसकी प्राइसिंग है। और ये जार का जो वज़न है वो है कुछ 40 ग्राम्स का है, मैंने यहीं पे कहीं पे पढ़ा था। हाँ जी, जो उसका नेट कंटेंट है वो 40 ग्राम्स है दोस्तों, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। मैंने अपने चैनल पे और भी फेयरनेस क्रीम्स की रिव्यू की है दोस्तों, जैसे कि पॉन्स की है और ओले की जो फेयरनेस क्रीम है, और उनमें से एक ये मतलब एक और भी मतलब मैं आज रिव्यू कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये मुझे गार्नियर के लिए रिक्वेस्ट भी आई थी दोस्तों, ये क्रीम लाइट क्रीम के लिए रिलेटेड कि मतलब मैं इसकी रिव्यू करूं, तो आज मैं हाजिर हूं। तो मैं कहूंगी कि ये तो दोस्तों ये मतलब अभी अगर आप परचेस करेंगे ना, तो पहले जो क्रीम आती थी गार्नियर की वो आती थी वाइट कंप्लीट की। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ लाइट कंप्लीट, जो पहले आती थी वो वाइट कंप्लीट आती थी। अब जो है थोड़ा गार्नियर ने अपग्रेड कर लिया है क्रीम को और ये अब आता है लाइट कंप्लीट वाइट स्पीड। और आप देखेंगे कि ये सीरम क्रीम है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक फेयरनेस सीरम क्रीम है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, तो यस, ये ऑल स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होता है दोस्तों, वो ज़्यादा करके वो प्रोडक्ट अच्छा ही होता है और वो तकरीबन हर किसी को सूट होता है दोस्तों। तो ये इस तरीके की क्रीम है, मैंने इसे यूज़ भी किया दोस्तों, मैं इसे 3 से 4 बार यूज़ कर चुकी हूँ अभी तक। मैं आपको इसे खोल के भी बता देती हूँ अंदर से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शेड मीटर भी दिया हुआ है, जो मुझे बड़ा, ये तो मुझे बड़ी बेतुकी चीज़ लगी है दोस्तों ये, क्योंकि ये किधर से भी कुछ भी ये मैचअप नहीं करेगा मतलब स्किन टोन को, तो ये तो मुझे शेड मीटर बढ़िया ही बेतुका लगता है। ये निकल भी जाता है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये निकल जाता है, तो आप अपना शेड मैच कर सकते हैं, जो मुझे ये सेंसलेस लगती है ये चीज़ बस। क्रीम ओवरऑल एक अच्छी क्रीम है मैं कहूँगी गार्नियर की, ये मैं आपको इसे खोल के बता देती हूँ। आपको इसकी पैकेजिंग कैसे आएगी, ये ऊपर से प्लास्टिक शीट के साथ कवर्ड रहेगा, तो प्लास्टिक शीट में निकाल चुकी हूँ, क्योंकि ये कार्डबोर्ड की इस तरीके से एक बॉक्स पैक है इसका। और क्रीम बहुत अच्छी है दोस्तों, मैं कहूँगी कि ये इस तरीके का इसका जार आता है फ्रेंड्स, लेमनी कलर का जार है, एकदम नींबू के जैसा कलर दिया हुआ है और वाइट लिड है ऊपर से, और ये प्लास्टिक का जार है दोस्तों, ये ग्लास नहीं है। और मैं आपको ये क्रीम अंदर से भी बता देती हूँ, खुशबू बहुत बहुत कमाल की है, काफ़ी लेमनी टाइप इसकी खुशबू है फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, मेरी ऑयली स्किन है दोस्तों, तो ये ऑयली स्किन वाले बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये देखिए वाइट कलर की बेस है इसकी, और मैं आपको इसे अपने हाथ में अप्लाई करके बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, आपने फेस पे जब अप्लाई करना है, क्लीन फेस पे, आप जब नहा के निकलते हैं फेस वॉश से, फेस क्लीन कर लेते हैं, तो क्लीन फेस पे आपने डॉटेड फॉर्म में स्प्रेड करना होता है अपने फेस पे, और आपने इसे ब्लेंड करना होता है। बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल भी वो वाइट कास्ट, वो प्लास्टिक जैसा लुक, वाइट वो बिल्कुल नहीं आपके फेस पे देगा। बहुत बहुत 2 सेकेंड्स के अंदर ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब मुझे लगता है मैंने 2 या 3 बार ही यहाँ पर स्वाइप किया होगा, और ये देखिए आप, ये कितनी इजीली मेरे स्किन के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो गया है, और आप दोनों स्किन में फ़र्क देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा भी था मैंने कितनी कम अमाउंट ली थी फ्रेंड्स, और आप दोनों हाथ में फ़र्क देखिए। ये आपको थोड़ा सा ब्राइट लग रहा होगा पहले से इस हाथ के मुकाबले में, और ये काफ़ी बेयर लग रहा है, और ये आपको लग रहा है हाइड्रेटेड है, और थोड़ा फेयर भी आपको पता लग रहा होगा। खुशबू बहुत कमाल की है इसकी, प्रॉपर लाइम जैसी खुशबू है दोस्तों, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, जैसे कि इनके ब्रांड ने इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ भी है कि इसके अंदर जो है एडेड है लेमन ऐड किया हुआ है, ग्लिसरीन ऐड किया हुआ है, जो एज इट इज़ मतलब फेस के मामले में तो बहुत बहुत बड़े बढ़िया चीज़ें हैं दोस्तों। मतलब प्योर, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो लाइम की खुशबू है, कोई काफ़ी मतलब आपको इरिटेट नहीं करेगी ये खुशबू, ये मैं कह रही हूँ, प्लेजेंट बहुत आपको फील होगा इसे लगा के फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात जो है इसकी, ये मैंने जैसे कि कहा ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले तो मतलब बिंदास इसका यूज़ कीजिए, क्योंकि मुझे ये क्रीम सूट हुई है, मेरी ऑयली स्किन है। ये आपको मतलब एज अ डे क्रीम के हिसाब से, कोई आप ऐसी कोई फेयरनेस क्रीम अगर ढूंढ रहे हैं
ये नॉर्मल ऐसे टचअप देने के लिए, कहीं आप काम के लिए निकल रहे हैं या कुछ, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं बड़े ही आराम से दोस्तों। मेरी अभी तक तो मेरी पर्सनल फेवरेट जो ओले की थी वो है, आप मेरी उसकी रिव्यू भी चेक कर सकते हैं दोस्तों मेरे चैनल पर, वो भी ऑयली स्किन वालों की सबसे बेस्ट है, ओले नेचुरल वाइट जूनसी आती है, मैंने उसकी रिव्यू अलग से की हुई है दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा वो रिव्यू भी। मैं आपसे यही कह रही थी दोस्तों कि ये आपको मतलब जो ड्राई स्किन वाले हैं उन्हें भी ये चीज़ सूट होगी। मैं मगर एक चीज़ कहूँगी इस क्रीम के रिलेटेड, जो ड्राई स्किन वाले अगर इसे यूज़ करते हैं दोस्तों तो ये आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा आपको ड्राई करेगा, तो आप एक काम कीजिएगा, आप पहले जो है अपना जो मॉइस्चराइज़र है वो लगा लीजिए और उसके ऊपर आप ये क्रीम लगाइए तो आपको ये सूट हो जाएगी। एज इट इज़ अगर लगाएंगे तो थोड़ा, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने भी लिया हुआ है दोस्तों और उसकी ड्राई स्किन है, तो मतलब उसने पहले ऐसे ही लगाया था, तो उसने मुझसे ये मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि वो पहले अपना मॉइस्चराइज़र लगाती है और उसके बाद मतलब वो इस क्रीम को लगाती है दोस्तों। तो मैं उसी बुनियाद पे आपसे कह रही हूँ कि कोई भी ड्राई स्किन वाला है तो इस तरीके से लगाए वो। बाकी लेडीज़ गर्ल्स बड़ी आराम से, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। मेन अगर चाहे, कोई कोई बॉय अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी कोई क्रीम नहीं है फ्रेंड्स, मतलब ये फेयरनेस सेरम है, भले ही यहाँ पे लिखा है फेयरनेस सेरम क्रीम, बट इसे ये मत समझिएगा कि कोई काला बंदा है तो वो एकदम से गोरा चिट्टा हो जाएगा दोस्तों, वो चीज़ नहीं है। ये आपको मतलब मैं कहूँगी कि अच्छा दिखाएगा, मतलब थोड़ा फ्लॉलेस आपके फेस को दिखाएगा और अच्छा दिखाएगा। अभी फ़िलहाल तो मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है दोस्तों, मैंने सिर्फ लिपस्टिक और एक अपना काजल लगाया हुआ है, दैट्स इट फ्रेंड्स। अभी आप देख भी सकते हैं मतलब मैंने फेस पे कोई मेकअप नहीं लगाया हुआ है दोस्तों। बट जैसे अगर फेयर स्किन टोन वाले अगर इसको यूज़ करते तो उनको एकदम अच्छा से एक मैट लुक देगा, एक फ्रेश लुक देगा, मतलब जो कि इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट है तो चेहरे को एकदम फ्रेश लगेगा आपको, मतलब ऐसे लगेगा कोई आपने फ्रेशनेस की कोई एक मतलब एक स्प्लैश ले ली अपने फेस पे, वो चेहरे को वाकई में फ्रेश रखता है और इसकी खुशबू बहुत बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। इसकी एक और ख़ास बात है दोस्तों कि इसके अंदर SPF कंटेन करता है, जो एज इट इज़ मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। आप इसे मैंने जैसे कि आपसे कहा, आप अपने डे क्रीम के हिसाब से इसे लगा सकते हैं, बाहर धूप में भी जा सकते हैं। SPF ज़्यादा तो नहीं है, 19 ही है मतलब, बट ठीक है मतलब डिसेंट है। PA++ है और साथ ही साथ ये आपको प्रोटेक्ट करेगा UVA और UVB की रेज से, जो कि यहाँ पे इसके पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो, और जो बर्निंग रेज होती है सूर्य की, UVA को कहते हैं हम अल्ट्रा वायलेट एजिंग दोस्तों, और UVB अल्ट्रा वायलेट बर्निंग होती है फ्रेंड्स, तो आपको उससे ये बचाएगी क्रीम। मैंने इतना तो डार्क धूप में तो मैं जब गई थी तो तब इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी उस टाइम पर, बट ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। बट ये 19 SPF 19 है तो एक डिसेंट मतलब इसके अंदर तासीर है, मतलब एक डिसेंट है, मतलब जैसे अगर आप फेस पे अगर कहीं निकले और अगर आपने अपना सनस्क्रीन नहीं लगाया, अगर आप सिर्फ ये लगा रहे तो आपको बचा सकता है, कुछ कुछ हद तक ये आपको बचाएगा फ्रेंड्स, तो आपको काला नहीं होने देगा। और साथ ही साथ इसमें ये लिखा हुआ है कि ये आपको आपके डार्क स्पॉट्स को जो है हटाएगा। फ़िलहाल तो मुझे कोई ऐसा डार्क स्पॉट तो नहीं है फेस पे, ये एक बस था मुझे काफ़ी मतलब ना के बराबर हो गया है, तो ये मतलब हाँ ये कवर तो हुआ था मतलब, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा हल्का है तो ये कवर हो गया था इससे। अगर इतना हल्का होगा तो इस क्रीम से डेफिनेटली कवर हो जाएगा, अभी तक तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि निकल गया। और इसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट है हेल्प्स स्किन लुक फेयरर स्पॉटलेस एंड फ्री फ्रॉम डलनेस, स्पीड अप फॉर योर वाइटनिंग नाउ। हाँ जी, आपको फेस लगेगा फ्रेश तो आपको डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि लेमन की इसके अंदर तासीर है तो आपको एकदम फ्रेश लगेगा। जैसे अगर आपकी डल आइज़ है और लोगों लगेगा हाँ मतलब मेरी आँखों में कुछ ऐसे फ्रेशनेस आ गई है, फेस आपका काफ़ी मतलब ऐसा लगेगा कि स्किन आपकी लगेगी कि स्किन खुश हो जाएगी कि फेस की स्किन मतलब हमें हमारे मालिक ने कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ हमारे ऊपर लगा ली है, मतलब ये इतनी है, अच्छी है ये चीज़। और ये आपको जार मैं कहूँगी दोस्तों महीना भर तो आराम से चल जाएगा, बड़े ही आराम से महीना सवा महीना आपको ये चल जाएगा। इसकी छोटी फॉर्म भी आती है दोस्तों, वो मेरे ख्याल से आई गेस राउंड अबाउट 80-90 रुपीस की है। ये मेरे पास इसकी बड़ी जार है, ये 160 रुपीस की है दोस्तों। मुझे तो ये क्रीम अच्छी भी लगी है दोस्तों, मतलब काफ़ी मुझे, और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है ये क्रीम की, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे कब से कहा मैं 3-4 बार इसे यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये मतलब है, मतलब ये आराम से मुझे चल जाएगी काफ़ी, मतलब महीना सवा महीना तो मुझे आराम से चलेगी फ्रेंड्स।
तो ओवरऑल ये जैसे कि मैंने आपसे कहा काला बंदा गोरा नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जाके मतलब वो प्योरीफाई कर देगा, और नहीं, जो थोड़े से सांवले लोग होते हैं ना दोस्तों, थोड़े से सांवले मतलब उनको मतलब 0.% मतलब वो थोड़ा ब्राइब दिखा सकता है, मतलब ये मतलब मेरी मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसे यूज़ किया हुआ, तो मैंने उनके फेस पे वो चीज़ देखी है। बट बहुत अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इससे फ्रेंड्स, ये ऐसे कोई मैजिकल क्रीम नहीं है कि आपको एकदम से गोरे में कन्वर्ट कर देगी दोस्तों। अगर आप मुझसे अगर आप मेरी कोई मेरी वीडियो देख रहे हो और वो पूछते हैं कि इसके ऊपर अगर आप मेकअप कर सकते हैं कि, तो बड़े ही आराम से आप इसके ऊपर मेकअप भी लगा सकते हैं, अपना कॉम्पैक्ट लगाइए, फाउंडेशन जो भी लगाना है इसके ऊपर आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एज इट इज़ अगर आप इसे अगर अप्लाई कर लेते हैं और नॉर्मल अगर आप कॉम्पैक्ट लगा लेते हैं इसका सॉर्टेड मतलब, अगर अगर आप इसे भी अप्लाई करते तो फ्रेश लुक के लिए, एकदम नेचुरल लुक के लिए, तो ये आपको इतना अच्छा मतलब ये लुक देगी ही देगी। गार्नियर के मैं तकरीबन मतलब हर एक प्रोडक्ट से खुश हूँ दोस्तों, मतलब मुझे गार्नियर से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओवरऑल एक मैं कहूँगी कि अच्छा प्रोडक्ट है, और ऑल स्किन टाइप, चलो ड्राई स्किन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ड्राई स्किन वाले से किस तरीके से यूज़ कीजिएगा, सूट करेगी हर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो डेफिनेटली मतलब ये चीज़ तो हर किसी को ही सूट होगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगी। बस आप अपने आँखों के एरिए से जो है उसे थोड़ा बचा के रखिएगा, कि तो आपकी आँखों में ये इरिटेशन दे सकता है फ्रेंड्स। लिखा हुआ भी है कि ये विजिबल रिजल्ट्स इन 1 वीक, तो मैं आपसे कहूँगी दोस्तों क्योंकि ये मतलब जो मेरी फ्रेंड ने इसे यूज़ किया था, तो मतलब उसे जो मैंने आपको कहा कि वो सावली है दिखने में, तो उसने महीना 2 महीना इसे कंटिन्यूसली धर्म से यूज़ किया था दोस्तों, तो उसके अंदर वो एक्चुअली में चीज़ नज़र आई है जो मेरे साक्षात मैंने अपनी आँखों से देखी है दोस्तों वो चीज़। तो मैं उस बुनियाद पे कह रही हूँ अगर आप थोड़े से सांवले स्किन टोन के हो तो आप ये अगर महीने से ऊपर 2 महीने तक यूज़ करते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली मतलब एक फेयरनेस की झलक अपने आप में नज़र आएगी। और जैसे मैं आलिया को देख भी रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो वो सच्ची बात बता रहे हैं, बट 1 वीक में नहीं, तो थोड़ा रुक के मतलब 1 वीक से थोड़ा और ऊपर। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको कोई इरिटेशन या रेडनेस ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों इसे यूज़ करने से। और प्राइसिंग भी काफ़ी रीसेंट है, आपको 40 ग्राम्स मिल रहा है 160 रुपीज़ में, तो काफ़ी रीसेंट है, महीना सवा महीना आपको आराम से ये चल जाएगी, नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स। तो आप ध्यान से खरीदेगा दोस्तों कि ये लाइट कंप्लीट है, वाइट कंप्लीट नहीं, वाइट कंप्लीट वाली पहले आती थी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द मैं कहूँगी शोर जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है फ्रेंड्स। वाइट कंप्लीट जो क्रीम आती थी वो अब बंद हो चुकी है, ये आती है अब लाइट कंप्लीट। मैंने वाइट कंप्लीट के बारे में सुना भी था, वो काफ़ी मतलब थिक बेस की थी और वाइट कास्ट दे देती थी, तो अब गार्नियर ने जो अपग्रेड किया अपने आप को और ये लाइट कंप्लीट में आती है दोस्तों। ये आपको कहाँ मिलेगी, आपको इजीली मतलब कोई भी जनरल स्टोर में या कोई ग्रॉसरी स्टोर में मिल जाएगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगी दोस्तों, आप नहीं तो वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यूज़ कीजिए इसे और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं कहूँगी कि कोई ख़राब चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ये अच्छी चीज़ है। मतलब मैं एक बात ज़रूर एक बात और कहूँगी अपने चैनल पे कि कोई जीनत खान है जो मुझे कमेंट के ज़रिए मुझसे कह रहे हैं कि मैं पॉन्स की पॉन्स एज मेरे ख्याल की नाइट क्रीम की रिव्यू करूँ, तो जीनत जी मैं डेफ़िनेटली वो क्रीम की रिव्यू करने वाली हूँ, मुझे एक्चुअली वो मिल नहीं पा रही है, तो मैं उसे मतलब ढूंढ रही हूँ कि मुझे कहाँ मिलेगी, थोड़ा मिलने में मुश्किल हो रही है, तो मैं डेफ़िनेटली बहुत जल्द उसकी रिव्यू करूँगी, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आई होप आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये थी मेरी रिव्यू दोस्तों गार्नियर स्किन नेचुरल्स की लाइट कंप्लीट फेयरनेस सीरम क्रीम के रिलेटेड फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी रिव्यू पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आप सभी जानते हैं आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को तो बहुत बहुत सारे लाइक्स देने हैं फ्रेंड्स, और मेरे चैनल डेली रिव्यू को भी ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है डेली रिव्यू 006 फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और इसे यूज़ करके अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए फ्रेंड्स। जिन जिन लोगों के इसे यूज़ कर चुके हैं तो वो भी मुझे कमेंट के जरिए बताइए उन्हें कैसी लगी है, मुझे तो ये क्रीम अच्छी लगी है फ्रेंड्स। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, बाय।